जाती पात के गलियां रोक से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से चुल भी जब जब चुलम करेगा मनवाद के गलियां रोक से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से बच्चों बहनों को सम्मान कर न सके जो वर सरकार निकम्मी है आगे वाले बैठ लीजिए अब सर बोलेंगे जरा सुनना जरा सबसे बोलेंगे मामला सामने आ रहा है विपक्ष पक्ष का कहना है कि उनके साथ रेप हुआ और जिंदा जला दिया गया उसी को लेकर इंडिया गेट पर भीम आर्मी और साथियों ये दिल्ली है देश की राजधानी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है यहाँ पे कहने के लिए और दिल्ली में सरेआम मोहल्ले के बीच में कब्रिस्तान में 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है सामूहिक बलात्कार शमशानी कह लीजिए तो मोदी जी की भाषा है शमशान कोई बात नहीं है तो दलित इस देश में है क्या वो तो मुसलमान भी नहीं है हिंदू भी नहीं है अस्पृश्य लोग है ये तो जिस शहर में जहां पे जी चारों तरफ मकान बने हुए हैं कब्रिस्तान में सामूहिक रेप और हत्या सबूत मिटाने के लिए जला दिया जाता है आखिर ये क्या है ये सिंपल अपराध है क्या पहले ये बात समझना होगा ये सिंपल अपराध नहीं है ये एक मानसिकता है मानसिकता विचारधारा है ये बात समझना है हमें ये विचारधारा ये मानसिकता ये कहां से आ रहा है आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा था कि कब्र में से उखाड़ के बलात्कार करने की बात की थी याद होगा आप लोगों अगर मेमोरी ठीक है तो वो मानसिकता वहां से आ रही है कि जो दिल्ली में जो इतनी हिम्मत इतने पुलिस वाले भाई यहां हमारे प्रदर्शन में सिक्योरिटी में लगे हुए सुबह से मैं किसान संसद में था 1000 से ज्यादा पुलिस वाले हमारे आगे पीछे टहल रहे तो ये मानसिकता आ रही है उसी से जिसको हम बार बार कहते हैं ये जनऊ राष्ट्र बनाने की तैयारी है जनऊ राष्ट्र वहां से मानसिकता आ रही है कि जहां पे दलितों के जीवन की अस्मिता की उसकी आवरू की कोई कीमत नहीं भाई साहब यहाँ आप लोग सब खड़े चुनाव आएगा तो आपको समझाया जाएगा कि वाल्मीकि जी ऋषि थे उन्होंने रामायण लिखा है और आप जो है जय जय करेंगे उस समय हिंदू बना दिए जाएंगे डॉक्टर जय भीम के नारे लगा रहे थे लेकिन नारे लगाने से पहले ये सोचिए कि आपके शत्रु कौन है वैचारिक कौन शत्रु है अचानक आप देखिए जब जब साहब बोलते हैं कि दलितों को मत मारो मुझे मारो उसके बाद देश में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ जाता है जहां देखिए वहां सहारनपुर है कभी मधुबनी हो रहा है सहारनपुर हो रहा है कहीं दिल्ली हो रहा है हाथरस हो रहा है अखबार उठाकर देख लीजिए सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए हर दिन कहीं ना कहीं बलात्कार और हत्याएं हो रही बात साथियों सीधा और सीधा यह मसला जो है आप खेल समझिए कि ऐसे अपराधियों को सह मिलता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा देश बन रहा है हमारा देश मतलब जिसको हम बोलते हैं ये कौन लोग
आज जो आपको कहती है, जो सबसे राष्ट्र की परिभाषा बताती है कि राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रवादी है, हर मुद्दे पे उछल के आती है, आज वो आरएसएस संघ परिवार वो कहां बोल रही है आपको हिंदू बनाती है, जब चुनाव आता है तब आपको हिंदू बना ले, और जब दलितों पे जुल्म अत्याचार होते हैं तब जो है वो कहीं उसका कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आता है। इसलिए लड़ाई लंबी है साथियों। देखिए, आपको एक तरफ इमोशनल अपील किया जाएगा, दूसरे तरफ हकमारी होगी। 7 साल से जितने साथी यहाँ सोशल मीडिया चला रहे हैं वो देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ लगातार लिखकर बोलकर धरना प्रदर्शन करके लगातार ऐसी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार। एक तरफ अभी नीट का आया है तो हकमारी यही लोग कर रहे हैं, और बलात्कार जो लोग कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, उन्हीं का प्रोटेक्शन है। इसलिए अपने शत्रुओं को पहचानिए साथियों। लगातार इस देश में क्या हो रहा है, सारे रास्ते कहां जा रहे हैं, जिन लोगों की आस्था इस संविधान में नहीं रही, जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जिन्होंने धरना किया, विद्रोह किया, जो संविधान चलाने वाले लोग, वैसे लोगों के हाथ में आज हुकूमत है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए, और जब तक ऐसे लोग, देखिए समाज वही जिंदा रहता है, इज्जत आबरू उसी के बसते हैं और अधिकार उसी के बसते हैं जो समाज जागृत होता है अपने हक हकूक के लिए। एक नहीं, ये घटना नहीं, मैं संकेत मानता, ये संकेत मानता हूं मैं। आपके आरक्षण प्रतिनिधि भी खत्म हो रहे हैं, हक हकूक भी मारे जा रहे हैं, हिंसा भी बढ़ रही है, ईवीएम लीला भी हो रही, तमाम हो रही, तो ये सब एक ही घटनाक्रम, एक ही विचारधारा है, उसी के अलग अलग पहलू है। इसलिए जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, ये निर्भया केस से भी ज्यादा ये जो है अमानवीय जो है कृत्य हुआ। मनीषा, ये समझना, इसलिए हमें लगातार ऐसे सरकार के खिलाफ, दिल्ली पुलिस सबसे बेस्ट पुलिस, धरना लगाइए तो 50 लोग रहते हैं, 500 पुलिस रहती है, और लाइट जल रहा है वहां पे बलात्कार हो रहा है, तो इसका मतलब पुलिस और कानून का डर ऐसे लोगों को नहीं है। मतलब क्या है कि वहां लोकल लेवल पे हर जगह इस पूरे भारत में ऐसे मानसिकता वाले लोगों को एक तरह से सरकारी प्रोटेक्शन है। इसलिए जब तक ऐसे सरकार को, ऐसी व्यवस्था मानने वालों को जब तक उखाड़ नहीं फेंके, तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम। जय भीम। मैं चाहूंगा 2 मिनट हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय घनश्याम नागर जी आए और एड्रेस करें। जय भीम साथियों। जय भीम। जय भीम। जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने आपको बताया, वाकई ही मानसिक गुलाम बना दिए गए हैं हमारे लोग। हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कोई निकल कर नहीं आता। ट्विटर गैंग सारा मर जाता है, यह मनुवादी लोग कहाँ है? आप देखिए, जब किसी उच्च जाति की बच्ची के साथ कुछ होता है, हमें बराबर दुख होता है, हम लोग उसमें भी बराबर की लड़ाई लड़ते हैं। आज ये ट्विटर गैंग कहाँ मर गया है? हमें दुख होता है जब हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, वो कोई निकल कर नहीं आता है। और देश में ये दोहरा कानून कैसा, ये दोहरी नीति कैसी, ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी उस जाति के होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है सरकार, उनके लिए महापंचायतें होती हैं, और हमारे लोग प्रदर्शन भी करें तो उनपे लाठियां मार दी जाती है। वो कहा जाता है यदि प्रदर्शन करोगे तो मकानों का ध्यान रखना, मकान ना टूट जाए। तो मेरा अपने सभी भाइयों से अपील है कि जाग जाओ, हमें अपनी इस बहन के लिए, नाई के लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यदि भगत सिंह यही सोचते कि कौन, मैं क्यों निकलूं बाहर, तो आज देश आजाद नहीं होता। आज देश आजाद हुआ तो भगत सिंह, उद्धव सिंह जैसे लोग यहाँ थे, सुखदेव जैसे लोग थे, इसलिए देश आजाद हुआ। तो आज हम मानसिक गुलाम बनने के लिए दोबारा तैयार है। क्या ध्यान रखिएगा, यदि इस तरह से अत्याचार हुए, आप लोग नहीं बोले, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया जाएगा, आवाज नहीं उठा सकते आप। जय भीम। जय भीम। एडी सिद्दीकी जी, हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, अपनी बात रखी है 2 मिनट संक्षेप जो लंबे समय से। जय भीम साथियों। जय भीम। ये विडंबना है और बहुत अफसोस है कि सदियों से जो जातिवादी व्यवस्था इस देश में काबिज है, जातिवादी व्यवस्था ने एक समाज को भेड़ और बकरी समझ रखा, जानवरों से ज्यादा बदतर एक समाज की स्थिति हो गई है, और जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को डेली कुचला जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि
कि आज सैकड़ों साल बाद जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, आधुनिक समाज और आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाए, हमारे अंदर जनजागृति नहीं है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा अपराध को और इन आक्रामकता को बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म को जितना ज़्यादा बर्दाश्त किया जाता है, जुल्म उतना ही ज़्यादा फैलता है। जब आप जुल्म का विरोध करना शुरू कर देंगे तो जुल्म कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमारे लिए सबसे दुख की बात यह है कि हम जुल्म को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म को बर्दाश्त करने की वजह से जुल्म करने वाले लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है। जब आपके अंदर जागृति आ जाएगी, एकता आ जाएगी, आप संगठित हो जाएंगे तो जुल्म करने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा। अब बहना हम शर्मिंदा है, मेरे का दिल जिंदा है। वीडियो बनाओ ना।